होती है वो भी नहीं जानते हैं। इस मीटिंग का मकसद ही यही है कि हम हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2025 में विधानसभा को किस तरह जीतना है उसके लिए जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर अपने पूरी तरह ताकत झोंक दी है। और हम आज आपको विशेष खबर दिखाते हैं जहां दरभंगा जिला के रभद्रपुर गांव है और क्रांति चौक के पास कई दिनों से कैंप लगाकर आम लोगों तक जा रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और लोगों को अपने जन सुराज में जोड़ रहे हैं और संगठन को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं ताकि आगामी विधानसभा में पूरी तरह जीत हो। और पूरी तस्वीर दिखाते हैं आज जन सुराज के जो जिला अध्यक्ष बिल्टू सैनी है उनके अध्यक्षता में यहाँ 251 जिला कमेटी का गठन हुआ है और प्रखंड कमेटी का भी गठन हुआ है और तमाम यहाँ जिला से आए हुए सभी पदाधिकारी, प्रखंड से आए हुए सभी पदाधिकारी सहित जन सुराज के जो संस्थापक सदस्य वो भी यहाँ पे मौजूद है और ख़ासकर जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार मणि है वो भी मौजूद है। हम आपको जिला अध्यक्ष बिल्टू सैनी है उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं कि आखिर में अपने पार्टी के लिए किस तरह ईमानदारी से काम कर रहे हैं और पूरे सक्रिय होकर काम कर रहे हैं ताकि आगामी 2025 में विधानसभा को हर हाल में जीतना है। खासकर देश के भरोसे में न्यूज़ चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए लालटून शर्मा की पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। मुकाम उसे हासिल होती है जिसको सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पहली बैठक है जिला में, क्या कहेंगे आप? जन सुराज एक अभियान है। जन सुराज सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का एक विचार है। आज दरभंगा जिला जन सुराज कमेटी का पहली बैठक दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत में रामभद्रपुर गांव में जन सुराज का जो कैंप है उस कैंपस में आयोजित किया गया है। यह पहली बैठक है और इस बैठक में दरभंगा जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला के लिए बड़ी स्तरीय के पदाधिकारी हो या प्रखंड लेवल के पदाधिकारी हो, सबों को इस बैठक में आयोजन के लिए मैं आमंत्रित किया हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम पदाधिकारी आज उपस्थित है। इस बैठक का जो मेन एजेंडा है एक दूसरे का परिचय कार्यक्रम, सम्मान कार्यक्रम और जन सुराज के संगठन को मजबूत करने के लिए 2025 के विधानसभा की तैयारी के लिए सिलसिले में हमारी आज यह बैठक आयोजित की। सर, जिस प्रकार क्या लगता है किसका किस प्रकार का भविष्य है और जो आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव की आपने बात की है तो क्या इसका भविष्य आपको लगता है? सर, मैं सबसे पहले मीडिया के द्वारा मैं आपसे प्रदर्शित यह करना चाहूँगा कि जन सुराज ही बिहार में एक ऐसा विकल्प है जो जितने भी पदाधिकारी और यहाँ तक कि जितने वार्ड लेवल तक के कार्य करता है वो निश्चित रूप में अच्छी सोच और शिक्षित वर्ग से आते हैं। उनका सपना है जो कि मैं निश्चित रूप में जन सुराज के अभियान को मैं बिहार में सबसे आगे बढ़ाऊंगा। और रहा 2025 का चुनाव पर, तो मुझे आशा और विश्वास है कि तीसरे विकल्प के रूप में पार्लियामेंट के चुनाव से पहले यह आह्वान हो रहा है, निश्चित रूप में हमारा अगला सीएम जन सुराज के प्रशांत किशोर होंगे और उसी मुहिम के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। कितने लोगों की जिला की कमेटी? 250 जिला कमेटी है। इसके बाद प्रत्येक प्रखंड में हमारी प्रखंड कमेटी है। मैं बिल्टू सहनी, जिला अध्यक्ष जन सुराज दरभंगा। आज आपको जिला उपाध्यक्ष का जिम्मेवारी मिला है, किस तरह से पार्टी के लिए काम कीजिएगा? आज जिला कमेटी का हमारी दूसरी बैठक थी और हमें जिला उपाध्यक्ष का पद मिला है, तो आपके माध्यम से, मीडिया भाई बंधु के माध्यम से, मैं सबसे पहले अपने परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने एक छोटे से वार्ड सदस्य को इस तरह का जिम्मेदारी दिए हैं। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा जो अपने कर्तव्य का निर्वाहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक करेंगे और प्रशांत जी का जो सोच है, जो विचार है, उस विचारधारा को जन जन तक, पूरे दरभंगा के लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरह से शिक्षा, जिस तरह से स्वास्थ्य, जिस तरह से रोजगार की बात हमारे प्रशांत जी कर रहे हैं, उस बात को हम अपने समाज के लोगों, गरीब, पिछड़े, दलित सारे लोगों तक ये पहुँचाऊँगा जो हमारी, जो प्रशांत जी का सोच है, हमारे आदरणीय प्रशांत जी का जो सोच है, उस सोच के साथ चलिए। एक बार विश्वास कीजिए, 5 सालों के लिए आपको को संविधान ने राइट दिया है जो आप वोट करके लोगों को जिताइए और सत्ता दीजिए। तो हम यही आग्रह करेंगे आप लोगों के माध्यम से जो ये 5 साल प्रशांत जी को मिले और हम भरोसा देते हैं जिस तरह से उन्होंने सारे ऐशो आराम को त्याग कर, जिस तरह से उन्होंने फील्ड में उतर कर पानी, गर्मी, धूप, बरसात को न देखते हुए, सहन करते हुए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हमें लगता है जो वो एक
गांधी जी के प्रतिमूर्ति हैं और गांधीवादी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। समाजवादी, राष्ट्रवादी, बहुत सारे पार्टियां हैं जो कहते हैं मैं समाजवादी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, लेकिन हमें गर्व है हमारे प्रशांत किशोर जी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर, जिन्होंने गांधीवादी का नीति अपना करके गांधी जी को पदचिन्ह बना करके उस पर चलने का काम किया। राजीव कुमार मणि, जिला उपाध्यक्ष, जनसुराज। सही जा रहा, राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए हैं, काफी अनुभव वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? कहेंगे कि जितने भी राजनीतिक दल थे वो सभी जो बैठे हुए हैं वो सभी जनसुराजी हैं, सभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सपनों को साकार करने के लिए बैठे हैं और वो ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जो जाति धर्म दाल भात जो होता है ना इससे ऊपर उठ करके न जात पर न भात पर ये जनसुराजी तमाम मजहब को लांघते हुए एक मानवता के रूप में ये सरकार बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और जनसुराज अगला 25 में एक नया मुकाम हासिल करेगा जो आने वाला बिहार जनसुराजी का होगा। अभी ये जो जनसुराज है इसका मैं जिला सभापति हूँ। 200 पार का नारा प्रशांत किशोर के द्वारा दी जा रही है, किस तरह सफल कर पाएंगे, क्या शुरुआत कैसे कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई भी चुनाव का जो वास्तविक मतदाता होता है वो गांव से होता है, वार्ड से होता है, बिल्कुल नीचे हर एक व्यक्ति मतदाता होता है। और अभी तक जो चुनावें हो रही है आप देखेंगे 2014 में तब लोकसभा देखेंगे या उसके बाद मोदी के प्रथम बार प्रधानमंत्री से बाद का जो भी आप देखेंगे मतलब तो लोकसभा का चुनाव, उसमें पहली बार जब मोदी आए थे तो मोदी के लिए गुस्सा था हर जनता के बीच, दूसरी बार जब आए वो तो दूसरी बार में जनता के साथ क्या हुआ कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्या करोगे, 5 साल काम किया फिर 5 साल काम करने का मौका दे। अब इस बार आप देख रहे होंगे कि पिछले बार और उसके पिछले बार की तुलना में न चाय की दुकान पर चर्चा हो रही है आप इनको वोट दीजिए, न पब्लिक में कोई मूवमेंट बन जा रहा है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, जिसका नतीजा है कि मोदी जी को फिर से आने की संभावना इस बार है। और मजबूत विपक्ष के तौर पर जो कांग्रेस एक थी उन्होंने कभी भी मौके का फायदा नहीं लिया, जब जब बीजेपी कमजोर बनी इस देश में उस समय विपक्ष जो है मजबूत चेहरा के तौर पर अपने आप को भरने का काम नहीं किया, यही नतीजा है कि केंद्र में मोदी की फिर से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि बिहार में विधानसभा को लेकर के और 200 पार के नारा को लेकर के, यह 200 पार का नारा एक प्रशांत जी का नारा नहीं है, यह एक हम आपके बीच से जो बातें निकल के आ रही है उसे संभावना लग रहा है कि जनसुराज जैसे बेहतर विकल्प को जो बेहतर बिहार हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कैसे हो, इन सारे मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं और हर घर जन स्वराज की जो परिकल्पना को हम लोग लेके आए हैं, आप जिस जगह पे आज हमसे वार्तालाप कर रहे हैं कि हमारा एक कैंप है प्रखंड स्तरीय कैंप है, यहाँ देख रहे होंगे चारों तरफ कैंप का जब आपने मुआयना किया होगा यहाँ हमारे यहाँ पदयात्री हैं, जन स्वराज वाहिनी है, उसके साथ यहाँ के स्थानीय युवा हैं जिनको प्रशांत जी के विचार से और गांव में कैसे काम करना है, राजनीति कैसे बेहतर हो, कैसे आपका पब्लिक स्पीकिंग बेहतर हो, इस पर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उनको एक मेहनताना भी हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोग का जो ये कहना है कि जन स्वराज हर घर में पहुँचे, हर घर में जन स्वराज के परिकल्पना को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये हम लोग का है। और 200 पार की जहाँ तक बात है तो एक्चुअल वोटर को आम जनता है, हम लोग उस पर कई सारी प्रोग्राम ला रहे हैं, प्रशांत जी का भी। पुरुषोत्तम कुमार, जिला मुख्य प्रवक्ता, जनसुराज।